हेलो एवरीवन, दिस इज राशि। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। आज का जो टॉपिक है वो हम ओजोन लेयर वाला कंप्लीट करने वाले। होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। आप सभी ने 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ा होगा इस टॉपिक के बारे में कि आखिर जो ओजोन है वो हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। सभी को पता है कि जो ओजोन है वो एक पॉइजनस गैस होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये पॉइजनस गैस है तो ये हमारे लिए, मतलब भाई, हार्मफुल क्यों नहीं है, हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद क्यों है, आखिर अर्थ पे इसकी क्या इतनी रिक्वायरमेंट है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका, जैसे कि अर्थ होगी, इसका अर्थ पूरा कंप्लीट किसके सराउंडिंग में, हमारा एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। इसमें जो एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाली जो परत होगी, जो लेयर होगी, वो हमारी क्या रहेगी, ओजोन लेयर रहेगी, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। मतलब कि इसको प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को प्रोटेक्ट करती है। अब सोच रहे होंगे किससे आखिर ये ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्ट करेगी। कल की क्लास में हमने किया था क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो हमारे लिए डेंजर रहती है, हार्मफुल रहती है। अब सन से जितनी भी रेज आती है, मतलब जो भी लाइट आ रही है अल्ट्रा वायलेट रेज, अब वो क्या, अल्ट्रा वायलेट रेज अगर अर्थ में एंट्री कर गई तो हमारे लिए देखो कितनी हार्मफुल रहेगी, जिस जो हम डिसीज के भी, मतलब रोग के, बीमारी के हम क्या बन जाते हैं, शिकार में आ जाते हैं। मतलब अब क्या होगा, अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है जो अर्थ पे एंट्री करेगी, तो ये ओजोन क्या काम करेगा, इन अल्ट्रा वायलेट रेज को वापिस भेज देगा। एक दो तो क्या सारे के सारे वापस जाएगी, नहीं, सारे के सारे वापस नहीं जाएगी, एक दो रेज आएगी भी अर्थ के ऊपर, लेकिन वो हमारे लिए कोई भी डेंजर्स नहीं करेगी, मतलब हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा उससे। दोबारा बता देती हूँ कि जो ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ के एटमोसफियर के सराउंडिंग, मतलब कि ऊपर वाली लेयर पे प्रेजेंट रहता है ओजोन। ये प्रोटेक्ट करता है हमें किससे, अल्ट्रा वायलेट रेज से, जो सन के थ्रू हमारे पास आती है। अब क्या अल्ट्रा वायलेट रेज सन से तो आएगी, हम ठीक मानते हैं, लेकिन ओजोन के साथ वो अपना रिएक्ट करके कैसे काम करेगी। अब सबसे पहले देखो कि जो ओजोन है, मतलब कि ऑक्सीजन, ओजोन जो बन रहा है उसमें 3 ट्राई एटोमिक्स है, मतलब कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स और एक ऑक्सीजन अलग से हो गया आपके पास, जो मिलकर क्या बन रहा है हमारा, O3, मतलब ट्राई एटोमिक बन रहा है। और कल की भी क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डायो एटोमिक, मतलब जिन एलिमेंट्स या जो एलिमेंट्स आपके 2 एटम्स कंटेन कर रहे हैं वो हमारे लिए डेंजर रहेंगे, हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे, और जो 3 रहेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहेंगे। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पढ़ा था हमने, क्लियर हो दैट। ये लेयर ऊपर होने की वजह से हमारे लिए हार्म नहीं है, क्योंकि अगर ये लेयर ऊपर ना होती तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अर्थ में एंट्री करती और हम सबके लिए हार्मफुल इफेक्ट करती। ये थी कि हमारा ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर हमारे लिए भाई क्या डिप्लेशन क्या क्या रहेगा इसका, ये सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके जो हाई लेवल के अल्ट्रा वायलेट रेज निकल के आते हैं वो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, वहीं पे फैलाव कर देती है, मतलब कि हेल्थ में डिसीज क्रिएट कर देती है। और डिसीज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि या तो आइज प्रॉब्लम होगी आपको, या कैंसर की बीमारी हो जाती है, इन सब के थ्रू ये इस तरह की बीमारियां फैल जाती है, जिससे ये जो ओजोन है वो ओजोन क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, उसको बचा लेता है। जितनी भी एटमोसफेयर से CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी अगर हमारे एटमोसफेयर से रिलीज भी हो रही है, तो ओजोन जो है ऑक्सीजन से मिलकर काम करके इन सारे जो गैसेज है इनको रिलीज करके, मतलब कि क्या बना देता है, एक होल बना देता है, एक होल क्रिएट कर देता है, और वो होल क्या करता है, हम सभी को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो दैट यहाँ तक। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा। सबसे पहले तो पेपर में ये पूछेगा कि ओजोन, भाई ओजोन का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो ओजोन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला ये क्या होता है हमारा, O3 होता है, ट्राईएटॉमिक होता है। क्या ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, नो, इट इज ए पॉइजनस गैस बट इज नॉट ए हार्मफुल फॉर अस। साथ में ये किस किस के साथ रिएक्ट करेगी, अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, बट उनके साथ काम करने के बाद एक होल क्रिएट कर देती है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या रहेगा, मतलब उनके लिए कोई भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेके जाए, कोई भी उनका बीमारी का फैलाव नहीं करेगा। अब प्रिवेंशन इससे क्या क्या, आखिर में प्रिवेंट की अगर हम बात करें तो 1987 में UNP, मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम आया,
उन्होंने क्या किया कि भाई अगर ओजोन लेयर हम मानते हैं ये हमारे लिए पॉइजनस गैस भी है, साथ में सीएफसी के साथ भी काम कर रहा है, तो आखिर वो जो सीएफसी के साथ काम करने के बाद वो हमारे लिए डेंजर क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि फिर जितने भी इंडस्ट्री वगैरह, हर दुनिया की इंडस्ट्री जो थी, उन्होंने फैसला लिया कि अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो जो सीएफसी का यूज है वो कम से कम हम करवाएंगे लोगों से, कि आप लोग जो सीएफसी का काम यूज है वो कम से कम करो, ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। सीएफसी किससे निकलती, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, या तो रेफ्रिजरेटर से निकलती हमारे, या फिर किससे निकलती है, एसी वगैरह हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, इन सब से सीएफसी की फॉर्म निकल के आती है, जिससे क्या कि वो जो गैस रिलीज होती है वो हमारे सब के लिए हार्मफुल रहती है। तो ध्यान से रखना, क्योंकि इनका जो कंपाउंड है वो स्टेबल रहता है सीएफसी का, तो जो स्टेबल होने की वजह से हमारे लिए क्या रहेगी, हार्मफुल घातक हो सकती है, बीमारी का फैलाव कर सकती है। अब जितनी भी रेडिएशन निकल के आती है सन से, क्या वो स्टेबल रहेगी? वो भी स्टेबल नहीं रहते, कभी किसी फॉर्म में निकलती, कभी किसी फॉर्म निकलती है। टेम्परेचर को डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किस हिसाब से आपका चल रहा है अर्थ के ऊपर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ पे, अगर अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में एक जगह इतनी एक छोटा सा होल है, होल मतलब थिन लेयर है, जहाँ पे ओजोन लेयर पाए जाते हैं। रिसेंटली अभी ये डिस्कवर किया है, बट अभी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पूरी तरह से काम नहीं किया है कि अंटार्कटिका में ओजोन लेयर आखिर कब तक अपना जो वर्किंग है वो काम करेगा या स्टॉप करवा सकते हैं। तो अभी इसमें फर्दर आपका काम चल ही रहा है, ऐसा कुछ प्रॉपर तरीके से इसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताती हूँ, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। एक तो पॉइजनस गैस पूछ सकता है, क्या है पॉइजनस गैस है। साथ में पूछा है किस रेज के साथ काम करता है, तो आप सभी को पता है अल्ट्रावायलेट रेज के साथ काम करेगा। क्या ये हमारे लिए हार्मफुल होती है? नहीं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। अर्थ के साथ ही किससे प्रोटेक्ट करता है? हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। कौन सी लेयर पर रहते हैं? अपर मोस्ट लेयर के ऊपर रहते हैं हमारा। प्रिवेंशन क्या रहेगा? प्रिवेंशन अभी यही है कि दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह है सबने अपने साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि जितना उसके हम सीएफसी का यूज कम से कम करेंगे। सीएफसी दो एटम को रखती है, फ्लोरिन और क्लोरिन, और फ्लोरिन और क्लोरिन आपस में अगर मिल जाते हैं, ओजोन के साथ अगर रिएक्ट कर भी लिया, तो ये रहेगा कि जो क्लोरिन है वो ऊपर हवा में मतलब कि एमिट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या रहेगा, कम से कम यूज कर पाएंगे और जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। होप सो आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओजोन लेयर वाला टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, अब करते हैं हम एसिड रेन। आज के टॉपिक में दो तीन टॉपिक आपको कवर करा दूंगी आज की वीडियो में। होप सो आप सभी को अच्छी लगे, समझ में भी आ जाए। अगर मैं करा भी रही हूँ तो ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम जो है वो बिल्कुल पास आ चुका है आपका, हमारे पास ज्यादा दिन बचे नहीं है। और मैंने आप सभी को पता है कि मैं जो तैयारी करा रही हूँ अपने खुद हैंड रिटन नोट से तैयारी करा रही हूँ, जो भी मेरे पास मटेरियल उनमें से ढूंढ ढूंढ के मैं आप सभी के लिए प्रिपरेशन करा रही हूँ। एसिड रेन क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एसिड रेन होता क्या है, एक्चुअली में काम क्या करता है। सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सभी को पता है आगरा में ताजमहल है, क्या है? एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, होप सो आप सभी को अच्छा भी लगेगा, आप सभी को समझ में आ भी जाए। आगरा में एक ताजमहल है। अब ताजमहल आप सभी लोग देखने में गए होंगे, पहले उसमें चमक बहुत अच्छी थी और अब धीरे धीरे उसकी जो चमक है वो डाउन होती जा रही है। अब उस चमक जो जा रही है वो डाउन होती जा रही है, मतलब डल होता जा रहा है। वो किस हिसाब से होता जा रहा है सभी को पता है, इंडस्ट्री आसपास में, वहां पे इंडस्ट्री के पोल्यूशन से जो ताजमहल है उसकी जो शाइनिंग है वो निकल मतलब कि दूर होती चली जा रही है, मतलब उसमें शाइनिंग अब कुछ नहीं रहा, वो येलो येलो सा होने लग गया। अब इंडस्ट्री वगैरह सभी को पता है कि भाई इंडस्ट्री से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट फैल रहा है, वो इन्वायरमेंट से जो कलर निकल निकल के आ रहे हैं वो ताजमहल के व्हाइट मार्बल से क्या रिएक्ट कर रहे हैं, और जिससे वो इरोजन मतलब कि ताजमहल का जो मार्बल है वो अब एसिड रेन की प्रेजेंस में आने के बाद धीरे धीरे कोरोजन की फॉर्म में आ चुका है, मतलब उसमें जंग, या मैं ये कहूँ कि येलो येलो शेड में आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं ओरली बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लिखना है तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि एक्चुअली में अब एसिड रेन होता क्या है। बारिश होती है, जो पानी है वो अर्थ पे आएगा, मतलब कि रेन वाटर जो अर्थ पे आया, अर्थ पे अब दो तरह के हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, वो कौन कौन से, तो सल्फर और एक क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजन, कार्बन भी हो सकता है।
ये किससे रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड की फॉर्म बनाएंगे, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में बनाएंगे। इस फॉर्म में बनाने के बाद ये क्या बनेंगे हमारे वाटर वेपर किस फॉर्म में आ जाएगा? एसिड की फॉर्म में, मतलब क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा या बन जाएगा फिर हमारा नाइट्रिक एसिड। अब ये एसिड बन गया, साथ में हमें क्या मिल गया? वाटर मिला है, तो क्या बन गया हमें? एसिड रेन। क्या मिल गया हमें? एसिड रेन। तो एसिड रेन की छोटी सी डेफिनेशन है, अच्छी सी, होप्स आप सभी को अच्छी लगेगी। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर आर एसिडिक इन नेचर। जब नेचर प्रकृति से जो आपकी बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में, मतलब कार्बन नाइट्रोजन सल्फर से रिएक्ट करने के बाद एक एसिडिक फॉर्म में बन जाएगी, और वो एसिडिक फॉर्म मतलब सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड रहेगी। धीरे धीरे वो क्या बनेगी, वो जो रेन वाटर वो एसिडिक की फॉर्म में आने लग जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? एसिड रेन बोल देंगे। अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, एसिड रेन हो गया। अब जैसे कि आप बाहर भी, अगर आपका जैसे गेट है, मेन गेट होता है जो लोहे का होता है, या भाई एल्यूमिनियम कुछ ही मान लेते हो आप, जनरली कोई मेटल हो गया, अब वो मॉइस्चराइजेशन की फॉर्म में, मतलब कि वाटर की फॉर्म में आता है। भाई आप अगर पानी गिरा देते हो, या बारिश के दिनों में देख, आपका जो लोहे है वो लोहा किसकी फॉर्म में आ जाता है? कोरोजन, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब उसने भी अपना कलर करना चेंज हो दिया, तो वो भी किस फॉर्म में आ गया? एसिड रेन की फॉर्म में आ गया। कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा कि एसिड रेन कौन कौन से एलिमेंट से बनता है, या मतलब किस किस गैसेस का इसमें यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता दो, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर किस फॉर्म में आते हैं? ऑक्साइड्स के फॉर्म में आते हैं। एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड या जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, वो क्या करेगा फिर धीरे धीरे किस फॉर्म में आने लग जाएगा? रेन वाटर की फॉर्म में रिएक्ट होने के बाद एसिड फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर ऑल दैट। फिर से ये कि जो भी भाई जैसे ताजमहल का एग्जांपल लिया, तो ताजमहल वगैरह ये सारे क्या हो जाते हैं? कोरोड की फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसके इफेक्ट क्या है एसिड रेन के? अगर हम इफेक्ट की बात करें, तो इफेक्ट क्या क्या रहेगा? इफेक्ट ये रहेगा कि हमें पता है कि एसिड रेन जो है वो धीरे धीरे कोरोजिव होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के ऊपर इफेक्ट करता है। एसिड रेन अगर धीरे धीरे करेगा, तो वो सबसे पहले किसको पकड़ेगा? या तो सीमेंट वाली चीजों को, या फिर लाइमस्टोन, देन या फिर कोई भी मेटल्स हो गए जिनको ये कोरोड करता है अदर मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद। सोइल की फॉर्म में अगर हम बात करें, लीचिंग की फॉर्म में बात करें, तो भी ये उसके रिएक्ट करने के बाद सबको कोरोड कर देता है। जैसे हमने रेलिंग वगैरह हो गया, हमारी घरों में लगी रहती है लोहे की रेलिंग वगैरह, आप पेंट वगैरह करवा देते हो, थोड़े दिनों जब बारिश वगैरह हो जाती है, तो उसकी फॉर्म में आने के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसमें लोहे की ब्राउन ब्राउन से परतें स्टार्ट हो जाती है, तो भी क्या हो गया? कोरोजन हो गए, मतलब कि एसिड रेन की फॉर्म में आ चुका है। अब इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? प्रिवेंशन यही रहेगा कि उसमें भाई हम या तो पेंट वगैरह करवाते हैं, ठीक है भाई, पेंट वगैरह करवाने के बाद ही हम इनको जो अपनी जंग है, कोरोजन है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो लोहे की वस्तु जो भी थिंग्स वगैरह होती है। क्लियर ऑल दैट। यहाँ तक तो ओजोन लेयर हो गया हमारा, एसिड रेन हो गया। अब टॉपिक क्या लेते हैं हम? अब टॉपिक ले लेती हूँ मैं आपका, देखो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो चुका है, ठीक है, ओके, और एसिड रेन हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब टॉपिक हम कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में किया था हमने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मेरे कौन सा रहेगा? एक तो डिसएडवांटेज रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर ऑल दैट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो टॉपिक हम जल्दी से कवर कर लेंगे तीनों टॉपिक को। फिर बचेगी हमारे पास क्या? नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। दो तीन वीडियो के में अंदर मैं आप सभी का ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये कंप्लीट करा दूंगी। होप सो आप सभी को जो वीडियो है अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ईवीएस जो है वो मैं 3-4 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। मैं ज्यादा लंबी थ्योरी इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ओनली मैं वो पॉइंट ले रही जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहा है कि मैं आपकी प्रॉपर तरीके से इतनी लंबी थ्योरी कराऊं, ठीक है। ये ओनली वो टॉपिक है, या मतलब कि ओनली वे की पॉइंट है जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो मैंने खुद भी रिवाइज किए हैं। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।